हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो पीसीबी एम्प्लॉयज था उनको मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे, उनको खाली 2000-4000 महीने को दे रहे बोल के दो दिन का जो स्ट्राइक करे वो यशस्वी हुआ, कामयाब हुआ। हमको कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों बुला के 4 घंटा मीटिंग करके जो तकलीफ़ था हमारा बात को सुने। अब हर लोगों को जो 200 का ऊपर जो कलबुर्गी में है उसको इमीडिएटली 8000 रुपीज़ सैलरी देते, और जो अकाउंट को डालने के लिए पीएफ और ईएसआई का प्रोविज़न है उसको एक्स्ट्रा फंड्स होना पड़ता। एक्स्ट्रा फंड्स लाने को हम बेंगलुरु हेड ऑफिस को लिख के पैसे लाते बोल के हमको एक रिटर्न एश्योरेंस दिया। अब सब लोगों रिटर्न ये दिया, अब सब लोगों को भी दो महीने तीन महीने का जो पेंडिंग था सब लोगों को 8000 महीने को पकड़ के तनख्वाह भी बांट रहे। कई लोगों को मिले दो दिन में, अभी भी दो चार दिन में सबको बांट के कोई पेंडिंग नहीं रखते बोल के रिटर्न ये भी दिया। इसलिए हम सत्याग्रह को वापस लिया। इसमें हमारा मीडिया वाला बहुत हम लोगों का साथ दिया। ऊपर बेंगलोर में जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट था उन तक हमारा जो मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में आने से उन्होंने भी देख के इनको डायरेक्शंस दिया एक कलबुर्गी में सत्याग्रह बहुत जल्दी सॉल्व करो बोल के। उसका उन्होंने बोलने के बाद यहाँ पे मीटिंग हुआ, 3-4 घंटा करीबन डिस्कशन करके ये इवॉल्व हुआ। मैं ये मीडिया से सबको आपको शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये एक गरीब लोगों का आवाज़ था। ये लोग बहुत मुश्किल में ज़िंदगी जी रहे था, इनको अब एटलीस्ट महीने को 8000 गारंटेड सैलरी मिलने का बात हुआ। 8000 से कम कोई दिया हमको, अब बात पहुँचे बोले तो मैं एक्शन लेते बोल के डीएफओ मैडम भी बोले। इसलिए मैं हमारा जो ये मूवमेंट को जो जो लोग सपोर्ट करे सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।